लेट्स क्रैक बियर 2021। हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है, बेसिक शेप्स से कैसे ब्लॉक्स या फिर फिगर्स बनती है। फॉर एग्जांपल रिक्शा, बस, बॉटल्स, फ्रूट्स, ये कैसे बनते हैं, ये उसका वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं रिक्शा कैसे बनाते हैं इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके लिए मैं बेसिक शेप यूज़ करूँगा जो मैं लेफ्ट साइड पेपर के लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं, तीन साइड फेसिंग रेक्टेंगल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, एक फ्रंट साइड साइड और टॉप साइड फेसिंग रेक्टेंगल्स है और एक सर्कल है जिससे मैं टायर के लिए यूज़ करूँगा। यह मेरी बेसिक थिंकिंग होती है जब मैं बेसिक ब्लॉक लेके कोई फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से मैं रिक्शा का टॉप बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे टॉप फेसिंग रेक्टेंगल लगेगा, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं रिक्शा की बॉडी के लिए साइड फेसिंग, लेफ्ट साइड फेसिंग और एक फ्रंट फेसिंग यूज़ करूँगा रेक्टेंगल। तो ये मेरा फ्रंट फेसिंग रेक्टेंगल, तो उसी से मुझे एक ब्लॉक मिलता है, 3D ब्लॉक मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है कि सर स्केल यूज़ करना है कि नहीं करना है। आपने अगर देखा होगा तो मैं कोई भी स्केल यूज़ नहीं कर रहा ड्रॉ करते, तो आपको भी एग्ज़ाम में स्केल यूज़ नहीं करना है, ये बात ध्यान में रख लो और अभी से इसके प्रैक्टिस करो। विदाउट स्केल आपको सब कुछ ड्रॉ करना है, जो भी फ्री हैंड ड्राइंग है उसमें, जैसे कि 3D कॉम्पोजिशन, 2D कॉम्पोजिशन और मेमोरी ड्राइंग, ये जो चीज़ें हैं इनमें कोई किसी तरीके से स्केल यूज़ नहीं करना है। तो देखो दोस्तों, मैंने अब थोड़ी सी रिक्शा की डिटेलिंग स्टार्ट की है जिसमें मैंने विंडशील्ड और नीचे का जो बोनेट रहता है उसी के स्टार्ट किया है। अब जहाँ पे हम लाइट लगाते हैं रिक्शा का, वो लाइट जहाँ पे फिट होगा वो साइड भी मैं बेसिक शेप रेक्टेंगल से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने दूसरा कोई भी शेप यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ इस पूरे फिगर में मैंने बस दो शेप यूज़ किए हैं, जैसे कि रेक्टेंगल और सर्कल, दैट्स ऑल। ज़्यादा शेप्स नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बस जहाँ पे कर्व है वहाँ पे थोड़ा सा फ्री हैंड कर्व देते हैं और जहाँ पे स्टीप दिखता है वहाँ से स्टीप है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें कोई भी मेमोरी ड्राइंग बनाते समय बेसिक चीज़ें हमें क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाता है। चलो फॉर एग्जांपल ट्रॉली हो गया, रिक्शा है, बस है, बॉटल, ये सब चीज़ें बेसिक फिगर बेसिक शेप से दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो हम कोई भी मेमोरी ड्राइंग ईजिली बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैंने पिछला वीडियो फ्रूट्स का डाला था, वो वीडियो आपको मेमोरी ड्राइंग एज वेल एज़ 3D कॉम्पोजिशन में भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा, इसका बेनिफिट काफ़ी है। नंदरली बच्चों को समझता नहीं है फिर ड्रॉ कैसे करें। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि दो तीन फ्रूट यूज़ करके 3D कॉम्पोजिशन बना, उसमें शेड शेडो करना होता है, तो वो फ्रूट्स बेसिक शेप से ही बनते हैं, इतना ही ईजी रहता है। तो ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली अब ये अगर मैं रिक्शा का एग्जांपल लूँ इस केस में, तो इसमें क्या आ सकता है, तो फॉर एग्जांपल बस स्टॉप है, बस स्टॉप का मेमोरी ड्राइंग बोला गया एग्ज़ाम में, तो उसमें क्या क्या दिखना चाहिए, बस दिखना चाहिए, रिक्शा उधर रिक्शा स्टॉप दिखेगा, दो तीन रिक्शा दिखेगी। सिमिलरली रेलवे स्टेशन है, उसमें भी वही दिखेगा, पैसेंजर्स रिक्शा से उतर रहे हैं, रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे, ड्रॉप करने वाले, तो ये सब व्यू में जो फोकस रहेगा वो बेसिकली रिक्शा का रहेगा। अब मैं जो ट्रॉली बनाऊंगा वो सब्जी मंडी या फिर ये सब जो चीज़ें हैं इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो उसका मेन फोकस वो स्कूल का मेन फोकस बच्चे और रिक्शा। सिमिलरली बस स्टॉप का मेन फोकस बसेस और रिक्शा और ह्यूमन फिगर्स तो है ही, तो ये चीज़ें हैं। तो देखो दोस्तों, मैं बोलते बोलते मेरी फिगर कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं सीट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, वो पाइप ड्रॉ किए जिसके हम लोग पकड़ते हैं रिक्शा में, तो ये बेसिकली 3-व्हीलर का ड्राइंग है। यहाँ पे रिक्शा की सीट्स और थोड़ी सी शेडिंग में कर रहा हूँ जिससे वो और भी अच्छी दिखे। तो अब मैं बेसिक शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आईना जो एक्सीलेटर है। अब अगर आप पर्टिकुलर इस एग्जांपल की बात करें, इस रिक्शा की बात करें, तो ये मैंने बिलो आई लेवल निकाली है रिक्शा, तो क्योंकि उसका मुझे टॉप साइड दिख रहा है इसके लिए वो बिलो आई लेवल है। अगर आपको सिमिलर एग्जांपल आते हैं कि बिलो आई लेवल पे निकालना है कि आप किसी ऊपर की खिड़की से नीचे देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें दिखेगी।
तो अब ये थोड़ा डिटेलिंग स्टार्ट होता है कि टायर या फिर शेडिंग में स्टार्ट करना हो। तो शेड करते वक्त हम शेड शैडो में पढ़ेंगे ही कैसे शेड होता है, पर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे रहेगा। यहाँ तो थोड़ा सा फ्री हैंड शेडिंग ये सब चलता है। तो यहाँ पे मेरी रिक्शा ख़त्म होती है। तो अब मैं ड्रॉ करूँगा, नेक्स्ट मैंने फिगर लेने वाला हूँ वो है ट्रॉली, ट्राइवलर ट्रॉली की फिगर है। अब देखो दोस्तों, बहुत बच्चों को मेमोरी ड्राइंग सोचने में या फिर दिमाग में कंपोज करने में प्रॉब्लम होता है, तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो सिर्फ उसी के लिए है कि वो किसी भी तरह का मेमोरी ड्राइंग आ जाए, उसमें कंपोजिशन में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। जैसे कि जो मैंने एग्जांपल ली है उसी में कि बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, स्कूल, जो पिछले साल आया था क्वेश्चन वो स्कूल पर आधारित था, तो उसमें स्कूल बस काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो सिमिलरली अगर इस साल नया क्वेश्चन मिलता है, नए क्वेश्चन आते हैं, तो आपको माइंड में डिज़ाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्लियरली आप बना पाओ। अब ये जो मैं ट्रॉली का एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें भी मैं तीन ही बेसिक शेप यूज़ कर रहा हूँ, टॉप फेसिंग ब्लॉक, लेफ्ट फेसिंग ब्लॉक और फ्रंट फेसिंग ब्लॉक, इसी तीन से ही मैं ड्रॉ करूँगा। तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछला आपको अच्छे से एक एक स्टेप में करके दिखाया है, तो ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ जिससे आप भी प्रैक्टिस करोगे। और एक बात है दोस्तों कि आप जब मैं ये वीडियो आप प्ले करोगे तो हाथ में पेन पेंसिल लेके बैठ के सॉल्व करना है, मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसे एक एक स्टेप आपको करनी है, उसी तरीके से आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी वहीं पे क्लियर हो जाएगा, आप बाद में उसको कमेंट सेक्शन में जाके बोल देना। मैं कोशिश करूँगा हर डाउट मैं सॉल्व कर सकूँ, उसका अच्छे से आंसर दे पाऊँ। तो चलते हैं हमारे फिगर की ओर। तो ट्रॉली का मैंने बोनट, ट्रॉली का जो शील्ड है, विंडशील्ड, ये सब ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद उसकी मेन ट्रॉली भी मैंने रेक्टेंगल से ही ड्रॉ की है। अभी थोड़ा सा कर्व दिखा रहा हूँ, उसके बाद में लाइंस, जो फ्रंट विंडशील्ड जो कर्व होती है वो कर्व में दिखा रहा हूँ। तो अब थोड़ी सी डिटेलिंग में स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बेसिक तो ब्लॉक बन गया, तो अब हम मेन स्टार्ट करेंगे उसका, जो पानी क्लीन करने के लिए जो रहता है स्पाइडर वो भी इसमें दिखना चाहिए। तो यही इसी डिटेलिंग से आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल करके हो सकता है, तो ये बनाने में मुझे हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स इस फिगर ड्रॉ करने में लगते हैं। तो आपको भी मेरे ख्याल से 10 to 15 मिनट्स लगने चाहिए अभी के प्रैक्टिस के लिए। जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, हाथ फास्ट चलेगा। तो आप रोज़ प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 2-3 ले रहा हूँ मॉडल, तो आप इसको आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा के आप कर पाओगे बहुत सारे फिगर्स। मैंने जो 10 मिनट प्रैक्टिस का वीडियो डाला है वो आप डेली प्रैक्टिस करो उसकी, 10 मिनट है बस, ज़्यादा नहीं है। उससे आपका हाथ थोड़ा फ्री मूव करेगा, आपने अगर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दी है तो आपको वो थोड़ी बहुत चीज़ें आती होगी, पर जिन्होंने नहीं दी है तो उनके लिए वो 10 मिनट प्रैक्टिस का वीडियो है जिसे आप डेली करना पड़ेगा। तो जब इस बेसिक का ह्यूमन फिगर का वीडियो मेरा आएगा तो वो इस बेसिक शेप से बनाने का लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बी आर्क में पिछले साल और उसके पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेंगे जो आए थे, और उसमें हम सब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हम सीखे हैं बेसिक उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो इसके लिए मैं ये सब ले रहा हूँ। अब इसका यूज़ आपको 3D कंपोजिशन में पर्टिकुलर वीडियोस का होगा, ये तो नहीं आएगा रिक्शा बस ये 3D कंपोजिशन में नहीं, पर फ्रूट्स आ सकते हैं, बॉटल्स आ सकती है, स्पून्स आ सकते हैं, उनका कंपोजिशन आ सकता है, या फिर स्पीयर आएगा, क्यूब आएगा, प्रिज्म आएगा, ये सब चीज़ें आ सकती है, सिलेंडर आएगा, ये सब चीज़ें आएगी। तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो अब थोड़ी सी ट्रॉली की डिटेलिंग करते हैं, मैं बातें करते रह गया और ट्रॉली के बारे में ज़्यादा नहीं किया। तो थोड़ी सी डिटेलिंग होने के बाद मेरी ट्रॉली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अब हेडलाइट और ये सब चीज़ें, तो ये वीडियो मेरा ख़त्म होने पे आया है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बेसिक शेप रेक्टेंगल और सर्कल से किस तरीके से रिक्शा ड्रा होगी या फिर ट्रॉली ड्रा होगी, जिसका इस्तेमाल मेमोरी ड्राइंग्स में होगा, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, स्कूल, सब्जी मंडी, इन चीज़ों में होगा। इसमें और बहुत सारे सब्जेक्ट है आ सकते हैं, पर मैं बहुत बेसिक सब्जेक्ट बोल रहा हूँ जो आपको आने ही चाहिए, तो इसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।